नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप वोकेबलरी विभाग में शब्द भंडोर विभाग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एटले कि शब्द समूह माटे एक शब्द नो अभ्यास करवाना छे। यूनिवर्सिटी की परीक्षा अथवा तो कोईपण कॉम्पिटेटिव एक्जामिनेशन इमा आ एक अगत्यनो टॉपिक छे। तमने शब्द समूह आपेलो होय अने ए शब्द समूह माटे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स माटे फ्रेज माटे तमारे एक शब्द आपवानो होय छे। सो वेरी इम्पोर्टंट टॉपिक। आ टॉपिक में समझूती करता वाचन नु वधारे महत्व छे। तमारे आ शब्द समूह माटे जे शब्दों छे ए तैयार करवा पड़े, पाका करवा पड़े, याद राखवा पड़े। एवा केटलाक उदाहरणों 20-25 नो आजे आपणे अभ्यास करिए, जेथी तमने ख्याल आवे के आ शब्द समूह छे एना माटे आ एक शब्द छे। तो जोईए आपणे केटलाक उदाहरणों। फर्स्ट, वन हु लीव्स ऑन वेजिटेबल्स, एवो व्यक्ति के जे शाकभाजी उपर जीवतो होय, जेने आपणे वेजिटेरियन कहीए छे, शाकाहारी। वन हु ईट्स मीट, एक एवो व्यक्ति के जे मांस खाय छे, के जेने आपणे नॉन वेजिटेरियन कहीए छे, मांसाहारी। तो तमने डाबी बाजूनो शब्द समूह आपेलो होय अने तमारे जमणी बाजूनो एक शब्द आपवानो होय छे एज एन आंसर। नंबर 3, वन हु इज ऑल पावरफुल, एवो व्यक्ति के जे सर्व शक्तिमान होय, जेने आपणे एक शब्द में ओमनी पोटेंट कहीए छे, सर्वशक्तिमान। नंबर 4, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेर, एवी बाबत एवो व्यक्ति के जे सर्व जगह हाजर छे, जेना माटे एक शब्द छे ओमनी प्रेजेंट, बराबर, सर्व जगह हाजर, ओमनी प्रेजेंट। नंबर 5, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एवो व्यक्ति के जेने कोईपण बाबतनी उजड़ी बाजू एटले के पॉजिटिव बाजू देखाती होय, सकारात्मक बाबत देखाती, एना माटे एक शब्द छे ऑप्टिमिस्ट, एने गुजराती में आपणे आशावादी कहीए छीए। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एवो व्यक्ति के जेने दरेक बाबतनी डार्क साइड, अंधारी बाबत, नेगेटिव बाबत देखाती होय, नेगेटिव बाजू देखाती होय, जेने इंग्लिशमां आपणे एक शब्द में पेसिमिस्ट कहीए छीए, निराशावादी। नंबर 7, वन हु बिलीव्स इन गॉड, एवो व्यक्ति के जे भगवान में श्रद्धा राखे छे, विश्वास राखे छे, माने छे, एना माटे एक शब्द छे थेस्ट, बराबर, भगवान में मानतो व्यक्ति। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एवो व्यक्ति के जे भगवान में मानतो नथी, जेने आपणे थेस्ट कहीए छीए, नास्तिक, बराबर, आस्तिक अने नास्तिक। नंबर 9, लायबल टू बी ईजीली ब्रॉकन, सरळताथी भांगी जाए तेवुं, तूटी जाए, जेने इंग्लिश में ब्रिटल कहेवाय छे एक शब्द में, अने एनुं गुजराती बरड तमे कही शको, बरड, सरळताथी तूटी जाए एवुं, भांगी जाए एवुं। नंबर 10, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एवो व्यक्ति के जे मानव मांस खाते हुए, व्यक्तिनु मांस खाते हुए, जेने इंग्लिश में एक शब्द अंदर कैनिबल कहवाई, मानव भक्षी, बराबर। त्यार पछी आवशे वन हु हेट्स मेनकाइंड, एवो व्यक्ति, एवो मानस के जे मानव जाति ने धिक्कारतो होय, जेना माटे वन वर्ड छे मिसेंथ्रोपी, मिसेंथ्रोप, मानव शत्रु, बराबर, मानव जातनो शत्रु, एनो द्वेषी।
Number 12, life history of a person written by another. कोई व्यक्ति ना जीवन विषय बीजाए कई लख्यू होय, एमना जीवन विषय बीजाए लख्यू होय, लाइफ हिस्ट्री, जीवन कवन, तो एने आपणे बायोग्राफी कहीए छीए, बराबर, जीवन चरित्र गुजराती में। त्यार पछी आवशे लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय सेल्फ, पोते ज पोताना जीवन उपर पुस्तक लख्यू होय, तो एने एक शब्द में ऑटोबायोग्राफी कहवाई, आत्मकथा। नंबर 14, किलिंग वन्स ओन सेल्फ, पोतानी जातनो वध करवो, किलिंग करवो, जेने आपणे सुसाइड कहीए छीए, आत्महत्या। त्यार पछी आवशे मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कोई माणसनी हत्या करवी, मर्डर करवो, एने होमिसाइड कहेवाय छे, हत्या। मर्डर ऑफ अ किंग, कोई राजानी हत्या करवी, एने रेजिसाइड कहेवामां आवे छे, राज हत्या। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ एन इन्फंट, कोई शिशु, नानू बाळक, एमनी हत्या करी होय तो एमने एक शब्दमां इन्फंटीसाइड कहेवाय छे, शिशु हत्या। त्यारबाद मर्डर ऑफ मदर, માતાની હત્યા કરનારો, તો એને મેટ્રીસાઇડ કહેવામાં આવે છે, એક શબ્દની અંદર। મર્ડર ઓફ ફાધર, એને પેટ્રીસાઇડ કહેવામાં આવે છે। મર્ડર ઓફ બ્રધર, એને ફ્રેટ્રીસાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એક શબ્દની અંદર। નેક્સ્ટ, વન હુ નોઝ મેની લેંગ્વેજીસ, એવો વ્યક્તિ કે જે ઘણી બધી ભાષાઓ જાણતો હોય એને લિંગ્વિસ્ટ કહેવાય છે, લિંગ્વિસ્ટ। નેક્સ્ટ, એન ઓફિસ વિધાઉટ એની વર્ક, કોઈ કામ વગરનું કાર્યાલય, ઓફિસ, જેને સિનેક્યોર કહેવામાં આવે છે, બરાબર। ત્યાર પછી આવશે વન હુ ડાઈઝ ફોર અ ગ્રેટ કોઝ, કોઈ મહાન કાર્ય માટે, કોઈ ઉમદા કાર્ય માટે કોઈ મૃત્યુ પામ્યું હોય તો એને આપણે માર્ટર કહીએ છીએ, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય શહીદ। અને ત્યારબાદ છેલ્લું, અ પ્લેસ વેર ડેડ બોડીઝ આર બરીડ, એવી જગ્યા કે જ્યાં મૃત શરીરને દાંટવામાં આવે છે, બરી કરવામાં આવે છે, એને સિમેન્ટરી કહેવામાં આવે છે, સ્મશાન ગૃહ, બરાબર, અથવા તો એમને કબ્રસ્તાન પણ તમે કહી શકો છો। તો આ હતા કેટલાક ઉદાહરણો વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન, તમને એક્ઝામ્સની અંદર શબ્દ સમૂહ આપેલો હશે અને એના માટે તમારે એક શબ્દ આપવાનો રહેશે। વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન્સ ઘણા બધા છે, 150-200, એનો તમે વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી, વાંચવાથી ચોક્કસ એને મેમરાઇઝ કરી શકો, યાદ રાખી શકો અને એમની તૈયારી કરી શકો। એઝ આઈ સેડ અર્લિયર, ધીસ ઇઝ અ મેટર ઓફ રીડિંગ એન્ડ મેમરાઇઝિંગ, right? There is no need for further explanations, right? Thank you very much.